हाँ जी, अब आपके पास पे क्वेश्चन है टाइप सिक्स। ये तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2007 का ही सवाल है, तो सवाल थोड़ा पुराना है। हम बिल्कुल नए सवाल भी लेंगे, लेकिन जो नए सवाल होंगे ना, जो कि लेटेस्ट 3 ईयर्स पैटर्न पे होंगे, जो नए सवाल होंगे लेटेस्ट 3 ईयर्स पैटर्न पे होंगे, लास्ट के 3 साल जो लेटेस्ट होंगे उस पे होंगे, वो चैप्टर के एंड होने के बाद होंगे। चैप्टर के बीच बीच में आपको पुराने पुराने सवाल मिलेंगे, क्योंकि मैंने टाइप वाइज अरेंज करा है, तो जो भी मिला मेरे को उस टाइप से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास में एक्स माइनस सी बेसिकली क्या होता है, डी डैश होता है, ये बात आप भी अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है, इन डी होता है, सॉरी, इन द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा एक्स आर द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स। ठीक है जी, एक्स हमारे पास एक मिड वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका था, एंड सी इज द कॉन्स्टेंट, कोई भी एक नंबर माइनस कर रहे हैं, लाइक सी इक्वल्स टू ए आप बोल सकते हो, लाइक जो हम पहले कर रहे थे ना ए, आपको पता है हमारे पास में एक्सक्लूसिव सीरीज हुआ करता था, उसका हम मिड वैल्यू निकालते थे, उसमें से फिर हम एक कॉन्स्टेंट नंबर माइनस करते थे कुछ अज्यूम करके ए। तो यहां पर क्या है कि आपको एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन नहीं है, पहली बात, मिड वैल्यू आपको निकालना नहीं पड़ रहा है, दूसरी बात, मिड वैल्यू निकली हुई होगी, उसमें से एक सी माइनस करके फिगर आपको दिया जा रहा है और एक फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको, और यहां पर आपके सी इज द कॉन्स्टेंट, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 35.84, फाइंड द क्लास इंटरवल। अच्छा, आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है इसको आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपके पास में गिवन क्या है, मीन गिवन है आपके पास में, मीन ऑलरेडी आपके पास में यहां पर है, ओरिजिनल डाटा के जो मीन है ये देख रहे हैं आप। तो मीन का बेसिकली फॉर्मूला क्या आपको है, जैसे कि आपके पास में ए है, या फिर इसको आप जो है डी बोलते हैं, इस कॉलम को, पूरे कॉलम को आप नाम दे, क्या नाम दे सकते हैं, इस कॉलम को आप नाम दे दीजिए डी, डी कॉलम है। क्लियर है बच्चे? तो आप एफ डी करेंगे, सम करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे, तो आप देखिए मीन कैसे निकालेंगे, समझिए जरा इस चीज को। सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहां पर मैं अपने उस कॉन्स्टेंट नंबर को फाइंड आउट करूं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करते रहिए साथ साथ, अगर मैं करने के लिए समय दूंगा तो बीच में बहुत बड़ा स्पेस आ जाएगा, गैप आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, तो डी है, एफ है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एफ डी कॉलम ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा, नहीं सही से, ठीक है, मैं इसको येलो कलर में एफ डी ले लेता हूँ। तो -42 मल्टीप्लाई करेंगे 140 और 28, 168, -168 -133। क्लियर है बच्चे? जीरो, 140 और 144 -14, सॉरी 12 नहीं, 42, 4, 182, 100, 110, 105। अब वो गलती नहीं करेंगे जी, नीचे आपके पास में आ गया एफ डी। अब हमारे पास है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो ए प्लस, जब भी आपका शॉर्टकट मेथड होता है, बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है आपका, ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर डी गिवन था, शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन रिलेटेड है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाना है आपको, समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो एक्स बार हमारे पास में मीन ऑलरेडी गिवन है 35.84, देखते रहिए आप,
मीन गिवन है क्या है 35.84, और मेरे पास में समीशन एफडी भी है। समीशन एफडी क्या है मेरे पास में, यहां पर ए को हम क्या नाम दे रहे हैं, सी नाम दे रहे हैं, तो आप इसको सी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीशन एफडी, समीशन एफडी आप करते हैं, क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, पहले आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए 105 प्लस 182 प्लस 140 427 माइनस 42 168 प्लस 133 343 चार, 12 में से चार गया 8, और यहाँ तीन में से गया 0, तीन में से तीन गया 0, 84। अब आपके पास में 84 यहाँ पर मेरे पास में आया है, वन थर्टी थ्री प्लस 168 प्लस 42 343। सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम समीशन एफडी 84 एंड एक्स बार, एक्स बार क्या है हमारे पास में 35.84 इक्वल्स टू सी पता नहीं, समीशन एफडी पता है और समीशन एफए में मालूम है, समीशन एफ क्या हमारे पास में 100 है। क्लियर है बच्चे, अब सॉल्व करेंगे हम, तो आपको 35.84 इक्वल्स टू सी प्लस 0.84 डिवाइड कर देना इसको। अब इसको ट्रांसफर आप सीधा उठा के नहीं लेके जा सकते इसको, पहले आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, अब लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.84 माइनस होगा 35 इक्वल्स टू क्या आ गया सी। तो आपको पता लग गया कि आपका सी क्या है, तो आपका जो एक्चुअल डेटा था ना, एक्चुअल डेटा, अब आपके पास में ये डी है, तो डी में अगर आप देखिएगा, समझिए जरा इस चीज़ को, क्या होता है एक्स कॉलम आपका मिड वैल्यू कैसे आता है, मिड वैल्यू इक्वल्स टू आपका ये डी कैसे आता है, डी इक्वल्स टू मिड वैल्यू माइनस सी, यही होता है। और आपके पास में डी आपके पास में ऑलरेडी है, तो आपके पास में एम मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मिड वैल्यू आप निकालोगे बच्चे डी प्लस सी, ऐसे आ जाएगा ना मिड वैल्यू, तो आपके पास में मिड वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं जो कि क्या होगा डी प्लस सी, और सी आपका 35 आया, तो आप यहां पे करेंगे 35 प्लस करेंगे इसमें 14 35 21 35 28 35 और 7 42 35 और 14 35 प्लस 14 49 35 प्लस 21 56 तो मिड वैल्यू आ गया। और आपको पता है मिड वैल्यू में गैप जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, गैप कितने का है, सात का, सात का, सात का, सात का, सात का गैप चल रहा है। क्लियर है बच्चे, बात समझ रहे हैं आप? तो आपको मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया था कि हम एक्सक्लूसिव सीरीज से मिड वैल्यू में कैसे जाते हैं। क्लियर है बच्चे, और दूसरी बात मैंने ये भी सिखाया था कि मिड वैल्यू से एक्सक्लूसिव में कैसे जाते हैं, जरा देखें, जरा आप याद कीजिए इस चीज को, लास्ट वाला पार्ट होगा मिड वैल्यू का, हाउ टू कन्वर्ट द एक्सक्लूसिव सीरीज इन टू द मिड वैल्यू, तो कैसे मिड वैल्यू में जाएंगे, सम डिवाइडेड बाय टू एंड फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, हाउ टू कन्वर्ट द मिड वैल्यू इनटू एक्सक्लूसिव, तो मिड वैल्यू को हम एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गैप देखा था कितने कितने का था, दस दस का गैप था, दस का गैप को टू से डिवाइड करा तो कितना है फाइव, और हमने क्या करा इसमें से फाइव माइनस करा, इसमें फाइव हमने प्लस करा इसी के अंदर, तो जीरो टू टेन आया था ना, तो आपका जो गैप है तो यहां इसी तरीके से आपके पास में गैप सात का है, तो सेवन डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो 3.5 आपका आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो 3.5 इसमें से आप अपने मिड वैल्यू में से आप माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 3.5 10.5 और इसी में 3.5 कर देंगे तो 17.5। क्लियर है बच्चे, तो आपके पास में ये बेसिकली एक्स कॉलम आ गया। अब आपके गैप कितने का आ गया, सात का, तो सात का गैप देते रहो आप एक्सक्लूसिव में, तो
तो सात का आप गैप देंगे तो तीन और चार 24.5, 24.5 और सात का गैप दे देंगे आप तो 31.5, 31.5 और सात का गैप दे देंगे 38.5, 38.5 और सात का गैप दे देंगे आप तो 45.5, 45.5 और सात का गैप दे देंगे आप तो 52.5, और 52.5 और इसमें सात का गैप दे देंगे तो आपके पास में 59.5, ये आपके पास में आ गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो ये हमारे पास में क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। समिशन ऑफ F1 इज द 3480 प्लस F1 F2, ठीक है निकिता? वो तो पहले वाला डाउट था आपका। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? हाँ और ना, जरा कमेंट करें इस क्वेश्चन को, आप कर पाए क्या देख लीजिए जरा। हर तरीके के सवाल पे डिस्कशन करेंगे, अभी समय है तो पढ़ पढ़ आप अच्छे समझ के काम कर सकते हैं, ठीक है? और कैट का बैच मैंने पहले भी काउंसलिंग आपकी ली थी, उस चीज़ को बड़ा सीरियस लीजिएगा, चाहे आप उससे पढ़े या नहीं पढ़े, सेल्फ स्टडी करें बट उसको जरूर करें। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगली कक्षा में मिलते हैं। कंटेंट आपके क्लासेस को लाइव में जाके मत देखा करो, कंटेंट में जाके देखा करो, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी, एक रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अच्छे से मिलती है।